हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल श्योर लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shyurlearning.in। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं नीट की प्रिपरेशन के टाइम, जो आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मैं ऐसी 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स लेकर आया हूँ, तो एक एक करके मैं उन्हें मिस्टेक्स को बताऊँगा कैसे कि आप लोग करते क्या हैं और नहीं करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ़ क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट एनालाइजिंग परफॉर्मेंस आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स। गाइस, जब आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे, कुछ मॉक टेस्ट देते होंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे, बट उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे जो करते हैं वो करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं करते। यानी कि मैंने आंसर कहाँ पर मैं फंस रहा था, कौन से आंसर में ज़्यादा, कौन सा टॉपिक मेरे ढंग से क्लियर नहीं है, उस टाइप के। तो उसको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन में फंस रहा था, कौन से टॉपिक्स मुझे ढंग से क्लियर नहीं थे, तो उन टॉपिक्स पर आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए ताकि वो गलती आप नीट के एग्ज़ाम के टाइम दोबारा ना करें। चलते सेकंड मिस्टेक की ओर। सेकंड है फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट एंड इग्नोरिंग अदर्स। तो सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, बल्कि और ज़्यादातर ये देखा गया कि जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है कि ये चीज़ मुझे आती है, उसी पर और ज़्यादा फोकस करता है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट से डरते हैं। तो ऐसा ना करें, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। आप एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ गया, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, आप फोकस एक चीज़ पर ना करें, सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें। ऑल द सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड की बात करें तो इग्नोरिंग बेसिक्स एंड हैविंग टू मैनी रेफरेंस बुक्स। दिस इज़ द मोस्ट 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 कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स एवर डू। जो रेफरेंस बुक है गाइज, उसको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये भी ले लो वो भी नहीं। मैंने कुछ बुक्स बता रखी आपको, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, अभी ऊपर मैं इसका लिंक दे दूंगा सजेशन बॉक्स में। और जो मेन मिस्टेक्स थी ये इग्नोरिंग बेसिक्स, आप बेसिक्स को इग्नोर बिल्कुल ना करें, आप हार्ड चीज़ की तरफ ना जाएं। बेसिक्स अगर आपके कॉन्सेप्ट ही आपके बहुत अच्छे होंगे तो आप आगे के हार्ड क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, फिर फोर्थ पर चलते हैं। तो नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्टडी प्लान फॉर नीट प्रिपरेशन। गाइज, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। आप पढ़ाई तो करते हैं बट किसी रूटीन से नहीं करते। मींस आप जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी, वो कोई अपना डेली रूटीन नहीं बनाते कि मैंने किस टाइम पर क्या पढ़ना है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अभी ऊपर सजेशन बॉक्स में उसकी लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें यही बताया मैंने कि बिफ़ोर लंच, बिफ़ोर ब्रेकफास्ट, बिफ़ोर डिनर, पोस्ट डिनर, मैंने चार स्लैब्स बनाए हुए हैं और किस टाइम पर क्या पढ़ना चाहिए, मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो आप उसे देख कर वहाँ से कुछ सीख सकते हैं और अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो गाइस, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। आप या अपने भी एक पर्सनल आप बना सकते हैं टाइम टेबल कि किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि गाइस ये नीट का एग्ज़ाम में हम भी चाहते हैं आपको एक बहुत अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो आप बिल्कुल कोई चूक मत करिए, गलतियां ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर सीधे फिफ्थ पर चलते हैं। रोड लर्निंग इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। स्टूडेंट क्या करते हैं, कंसेप्ट को बिल्कुल छोड़ देते हैं, खाली रोड लर्निंग करते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करें। आप अपने कंसेप्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको सारे आप अपने कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको उसको सॉल्व करने के काफ़ी इजी मेथड्स आते होंगे अलग अलग, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो। तो गाइज, ये थी 5 कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए नीचे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। और ऐसी अपडेट्स के लिए रेगुलर हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।